कैसे हैं आप सर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चैप्टर नंबर 5 है उसको कंप्लीट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, और 5.2 को इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी आज। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और उससे पहले जो है ना उसकी थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। तो हम पहले थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज पे आए, या स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशंस। हमने जैसे कि 5.1 में क्वेश्चंस किए हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो लीनियर भी हो सकते हैं, वो होमोजीनियस नहीं होंगे, वो नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन आ जाते हैं, तो उनको कैसे डील करना है, अब उन पे जरा बात करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ टू सॉल्व लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विद अ कांस्टेंट ऑफ स्क्वायर। ये हम 5.1 में कर चुके हैं। नाउ वी शैल डील विद दिस सच रिलेशंस व्हिच आर लीनियर बट नॉट होमोजीनियस विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम ऐसे रिलेशन से डील करेंगे जो कि लीनियर तो है लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है, अगर उसके जो कांस्टेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ। दीज रेकरेंस रिलेशंस आर द ऑफ द फॉर्म, ये जो रेकरेंस रिलेशन है इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी फॉर्म है ए एन इज इक्वल है 3 a n - 1 + 2 n। दिस रिलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जी, इसके अंदर ये जो टर्म है ना 2n, ये इसको शो करी कि ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये 2n जो ये नॉन होमोजीनियस को शो कर रहा है, और ये जो है 2n जो ये इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी इसके अंदर 2 के अंदर आ रहा है, इसमें जो 2 है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, एक्चुअली इट इज ऑफ द फॉर्म। अब ये जो है ना इक्वेशन, ये जो हम सारा कर रहे हैं ना, होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये जो सारा है ना ये रिलेट कर रहा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के जो चैप्टर नंबर 10 आपने पढ़ा होगा उससे। लेकिन फर्क डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहां पर जो थे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर सीक्वेंस है, बाकी एक्चुअल में सारा सेम प्रोसेस है, जैसे उसमें फॉर्मुलेशन यूज हुई यहाँ पर भी वैसी एज इट इज होगी, लेकिन बस यहाँ पे ये फर्क है कि यहाँ पे सीक्वेंस है, वहां पर आपकी क्या थी, वहां पर आपके सिंपली वेरिएबल्स, एक्चुअली इट इज ऑफ द फॉर्म। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना ये इस फॉर्म में होगी, एक्चुअली जो इसकी जनरल इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। जनरल इक्वेशन जो है वो ए एन इज इक्वल है c1 a n - 1 + c2 ए एन माइनस 2 + c3 ए एन माइनस 3 प्लस ऑन ए सी के ए एन माइनस के प्लस एफ ऑफ एन, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। एफ ऑफ एन मीन्स कोई फंक्शन है, ये फंक्शन जो होगा ये डिपेंड करेगा या तो ये कॉन्स्टेंट हो सकता है या कोई ये वेरिएबल हो सकता है। जी, ये एफ ऑफ एन जो होगा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिफाइनिंग है, वेयर c1 c2 सो ऑन cn आर एनी रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, एंड सी के नॉट इक्वल टू 0, और ये जो कांस्टेंट है ना इसकी लास्ट टर्म जो होगी या इसकी कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, एंड एफ ऑफ एन इज अ फंक्शन नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो फंक्शन है, जब क्योंकि अब हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, अगर तो ये जो फंक्शन वाली टर्म है ये 0 होगी तो ये तो होमोजीनियस बन जाएगा, फिर तो नॉन होमोजीनियस वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि एफ ऑफ एन जो है इज अ फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, डिपेंडिंग ओनली ऑन एन, ये सिर्फ एक एन वेरिएबल पे, एन कांस्टेंट कोई भी नंबर है सॉरी उस पे डिपेंड कर रहा होगा, एन यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है ना इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, इसमें कांस्टेंट्स भी आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो दूसरी टर्म्स है ना वो सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, इन द रिलेशन टू दैट द पार्ट, अब जब रिलेशन टू का जब हम पार्ट देखते हैं एफ ऑफ एन को छोड़ के, ये जो बाकी सारी इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस पार्ट है। इस कार द एसोसिएट होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन। ये जो रिलेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें अदा कर रहा है, मेन जो है ना हमारी ये है होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। जिस तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी हम उसके दो पार्ट्स करते थे, इसी तरह से यहाँ पर हमने लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है उसका जो पार्ट को नॉन होमोजीनियस बना रहा है उसको सेपरेट कर देना, और जो होमोजीनियस है उसको हमने सेपरेट कर देना। अब जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल है अब जरा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, हियर वी गिव द वर्किंग स्टेप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, इट विल बी सॉल्व इन 3 स्टेप्स। इसको हम 3 स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। होमोजीनियस पार्ट की वही रूल है जो कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी हुई है। Here this solution will be denoted by, अब जो इसका होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होगा
क्योंकि हमारी ये सीक्वेंसेस है, तो ए एन पावर एच, एच मीन होमोजीनियस, ए एन मीन. स्टेप नंबर टू में वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एन व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट एग्जांपल. अब जो एफ एफ एन है उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल में होपफुली सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो जो आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके होंगे. टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर आर थ्री डिफरेंट केसेस. यहाँ पर तीन केसेस हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप उन केसेस को डिस्कस करेंगे. लेकिन आज जैसे कि फर्स्ट केस को आज हम डिस्कस कर लेंगे, सेकंड को हम कल, इस तरह से हम एक साथ सारे केसेस को नहीं डिस्कस करेंगे. दीस केसेस विल बी डिस्कस इन द कमिंग एग्जाम्पल. फाइनली द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी ए एन इज इक्वल है ए एन पावर एच प्लस ए एन पावर पी. तो एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9 है फाइंड द एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन एंड पी ऑफ एन फॉर द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन. अब यहाँ पर हमने जो होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन दिए गए हैं उनके पी एन और जो फॉलोइंग जो नॉन होमोजीनियस दिए गए हैं उनको भी हमने सॉल्व कर. जी देखिए, अब हमने सिर्फ यहाँ पे बताना है कि नॉन होमोजीनियस इसका पार्ट कौन सा है रेफरेंस रिलेशन का, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड करना है आपने कि एसोसिएट लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन और एफ ओ एन फॉर द नॉन. एफ ओ एन यूज करेंगे हम जो नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन पार्ट होगा उसको. यहाँ पर सॉल्व की कोई कंडीशन नहीं, जस्ट हमने पार्ट फाइंड करना है. तो हमारे पास जो ए ऑम है उसमें ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन प्लस बी पावर एन. अब ये जो बी पावर एन है ना, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट है. क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, इसके साथ ए टर्म नहीं आ रही है. देखिए अगर इसके साथ होते ना ए यहाँ पर, जैसे कि ये इसके साथ टर्म होती ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस फोर, कोई भी एक टर्म होती रैंडम, तो उस लिहाज से हम कह सकते थे तो इसके अबाउट कि ये जो है ना ये भी होमोजीनियस है, ये इसके अंदर नॉन होमोजीनियस टर्म नहीं है. अच्छा जी, इसी तरह से एसोसिएटेड लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन का जो पार्ट है वो ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन और एफ ओ एन इज इक्वल है टू पावर एन, जो इसका नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन का पार्ट है. इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ये नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन पार्ट है. अब आते हैं बी पार्ट पे. तो बी पार्ट में देखिए जहां तक हमारी सीक्वेंस आ रही है वो तो हमारा होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन का पार्ट है. तो ये जो एन स्केयर प्लस एन प्लस वन ये जो पार्ट है ये जो है ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस के टर्म्स नहीं है. ठीक है, तो एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रिलेशन इज ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एंड एफ ओ एन इज इक्वल है एन स्केयर प्लस एन प्लस वन. तो ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन का पार्ट हो गया. अब इसी तरह से अगले को सी पार्ट में देखें तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये होमोजीनियस रिलेशन का है और ये जो पार्ट है ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन का. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस की कोई टर्म नहीं है, इसके अंदर सीक्वेंस टर्म नहीं है. ठीक है जी, तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लिया गया कि ये जो है ना एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन जो है वो ये है और नॉन होमोजीनियस जो है वो ये है. इसी तरह से अब यहाँ पर इसके अंदर देखिए ये सारी टर्म्स है तो ये होमोजीनियस है, ये जो है क्योंकि ये किसी के साथ कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो ये लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है. तो एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन इज ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ये जो सारी टर्म्स हैं और ये जो नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन. जी अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी केसेस पे और जाएंगे. जी एक्सरसाइज में है 5.2 एक्सरसाइज. चेक वेदर द फॉल वेदर द गिवन रेफरेंस रिलेशन आर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस. हमने चेक करना है जो हमें रिलेशन दी गई है, रेफरेंस रिलेशन दी गई है, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है. नेक्स्ट है इफ नॉन होमोजीनियस, अगर वो नॉन होमोजीनियस है तो फाइंड करना है हमने एफ ऑफ एन एंड एसोसिएटेड होमोजीनियस रिलेशन रेफरेंस रिलेशन. हमने मतलब उसका नॉन होमोजीनियस पार्ट बताना और होमोजीनियस पार्ट को अलग अलग करके बताना. ऑल्सो फाइंड द डिग्री इन ईच केस, हर एक केस में हमने इनकी डिग्री भी फाइंड करनी. ठीक है, इनको करते हैं स्टार्ट. इसके इसके टोटल एफ पार्ट है. जी इसके ए पार्ट को स्टार्ट करते हैं. तो
तो हमने इसके अंदर जो जो हमें डिटेल्स दे दी है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है कि अगर तो ये होमोजीनियस फैक्टर्स रिलेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, पहले हमने ये बताना है। अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट हमने अलग से बताना है और होमोजीनियस अलग से बताना है, और हमने इसकी डिग्री करनी है फाइंड। ठीक है जी, अब इस पे आते हैं। जो फर्स्ट है, इट इज अ लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इस रेफरेंस रिलेशन है जो होमोजीनियस है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर सीक्वेंस की टर्म मौजूद नहीं हो। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसकी डिग्री का जिक्र करना है। तो डिग्री जो है इसकी हाईएस्ट एन है और लोएस्ट एन माइनस टू है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री टू आ जाती है। नेक्स्ट बी पार्ट है, ए एन इज इक्वल है, तो इसी तरह से ये भी होमोजीनियस है, लीनियर भी है होमोजीनियस भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जितनी भी सिक्वेंस की टर्म्स है सभी की पावर क्या है? वन है, सिंगलटन। सॉरी, सिंगलटन वर्ड यहाँ पे नहीं यूज होगा, क्योंकि इन सबकी जो पावर है वो वन है। तो इट इज अ लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन, और जो इसकी डिग्री होगी, जो हाईएस्ट डिग्री है वो एन है और जो लोएस्ट डिग्री है वो एन माइनस थ्री, मीन इसकी जो डिग्री है वो थ्री है हमारे पास। इसी तरह से अब जो डी पार्ट है, सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में ए एन इज इक्वल है वन ओवर टू ए एन माइनस वन माइनस थ्री। अब इसके अंदर जो माइनस थ्री टर्म है ये इसको नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशनशिप बना रही है। इट इज अ लीनियर नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशनशिप। सो द एसोसिएट लीनियर रेफरेंस रिलेशनशिप जो है ना होमोजीनियस, वो है हमारे पास ए एन माइनस वन ओवर टू ए एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसका जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है हमने वो बताना है एफ ओफ एन। एफ ओफ एन इज इक्वल है माइनस थ्री। अब इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री इसकी हाईएस्ट है एन और मिनिमम जो डिग्री है वो एन माइनस वन, तो टोटल इसकी डिग्री क्या होगी? वो वन होगी। जी, अब नेक्स्ट डी पार्ट पे आते हैं। तो ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन इंटू थ्री इंटू टू पावर एन माइनस फोर, एंड ये जो सारा पार्ट है ये इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस की टर्म इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई भी ए एन या ए एन माइनस टू या ए एन माइनस थ्री टर्म नहीं है। इट इज अ लीनियर और नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। सो एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन इज ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एफ ओफ एन इज इक्वल है थ्री टू पावर एन माइनस वन माइनस फोर एन एट द डिग्री एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ई पार्ट है हमारे पास, ए एन माइनस वन इज इक्वल है फोर एन माइनस वन गिवन दैट ए नॉट इज इक्वल है वन। अब यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, देखते हैं इस क्वेश्चन में दी गई है जी। गिवन दैट है कि ए नॉट इज इक्वल है वन, मतलब हमें ये इनिशियल कंडीशन दे दी गई है। इट इज अ लीनियर नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। सो क्योंकि ये लीनियर नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है क्योंकि पावर नहीं है। नॉन होमोजीनियस क्यों? क्योंकि फोर एन माइनस वन टर्म मौजूद है। एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन जो है वो ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, और जो नॉन होमोजीनियस है वो ये पार्ट है। तो एफ ओफ एन इज इक्वल है फोर एन माइनस वन जी। इसकी जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री है एन, मिनिमम एन माइनस वन, तो टोटल डिग्री इसकी है वन। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एफ पे ए एन प्लस थ्री ए एन माइनस वन इज इक्वल है फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू एन पावर टू पावर एन गिवन दैट ए नॉट इज इक्वल टू वन। अब ये जो ए नॉट इज इक्वल टू वन है ये हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो रहा है, हम क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे हैं? क्यों हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करने को नहीं कहा गया, हमें जस्ट इसकी डिग्री फाइंड आउट करने को कहा गया। हमें सिर्फ डिग्री तक काम करना है। अगर तो हमें कहा जाता है डिग्री से आगे इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हमने इसकी प्लॉट बनानी थी उसके बाद हमें इसकी कॉन्स्टेंट टर्म आनी थी, और कॉन्स्टेंट टर्म को हमने इनिशियल कंडीशन के जरिए से फाइंड आउट करना। ठीक है, एफ जो है आपके पास ये है, तो इट इज अ नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। सो द एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन जो है वो ए एन प्लस थ्री ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है एफ ओफ एन इज इक्वल है फोर एन स्क्वेयर माइनस टू एन प्लस टू एन स्क्वेयर एंड द डिग्री, जो इसके अंदर डिग्री बन रही है मिनिमम माइन जो हमारे पास टर्म है वो एन माइनस वन है और जो मैक्सिमम है वो एन। जब हम डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका नॉन होमोजीनियस पार्ट से कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो डिग्री इज इक्वल है वन जी। अब हम जो है बाकी रिमेनिंग थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं जी। ये जो थ्योरम है, क्योंकि ये सिंपली ये है कि आपका
इसके अंदर दो पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है और एक आपका होमोजीनियस पार्ट है, ये जो हमने पहले डिस्कस कर लिया उसी को ही है। तो ये थ्योरम आपका है, कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको आई थिंक। जी, केस नंबर वन है व्हेन एफ ऑफ एन इज अ पॉलीनोमियल। अगर हमारे पास जो एफ ऑफ एन दी गई है आपको, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट दे दिया वो भी पॉलीनोमियल दे दिया है जिसकी डिग्री क्या है एन, मतलब एफ ऑफ एन इज इक्वल है पी नॉट प्लस पी वन एन प्लस पी टू एन स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो वही टेक हम जिस तरह से कर रहे थे, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की 10.2 और 10.3 एक्सरसाइज से रेलेवेंट है क्वेश्चन, आपने वो भी साथ साथ किए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके उससे रिलेट करके इसको करेंगे तो ये बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। जी, वी टेक ए एन पावर पी, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट आ रहा है वो पॉलीनोमियल आ रहा है, तो अगर उसकी डिग्री है वन, तो अगर डिग्री वन है तो उसको हम कितना लिखेंगे, ए प्लस बी एन। इफ एफ ओ फेन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अगर हमारी पॉलिनोमियल है जो हमारी एफ ओ फेन में लिखी हुई है उसका डिग्री वन है, तो हमारे पास जो उसका पर्टिकुलर पार्ट बनेगा वो ये बनेगा। वी टेक ए एन जो है ये सीक्वेंस हमारे पास पावर पी पर्टिकुलर पार्ट इज इक्वल है ए प्लस बी एन प्लस सी एन इफ इफ पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री टू की होगी, जितनी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा वेरिएबल आएगा। इसी तरह से आगे मूव कर रहे हैं, अगर हमारी जो है डिग्री वो 3 डिग्री की आती है पॉलिनोमियल, तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ए एन पावर पी इज इक्वल है ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यूब। फॉर इलिस्ट्रेशन सी द एग्जाम्पल बिलो, अब फर्दर इलिस्ट्रेशन के लिए हम जो नीचे एग्जाम्पल दी गई है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द रेकर्स रिलेशन ए एन इज इक्वल है 3 a n - 1 + 2। व्हाट इज द सॉल्यूशन विद द ए वन इज इक्वल है 3, हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा जब ए वन इज इक्वल टू 3 होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है रेकर्स रिलेशन का, हमें ये नहीं कहा गया है कि आपने बताना है जी लीनियर कौन सा, लीनियर होमोजीनियस पार्ट कौन सा है, लीनियर नॉन होमोजीनियस कौन सा और डिग्री बता दो, हमें ये नहीं बोला गया। हमें यहाँ पर बोला गया कि इसका सोल्यूशन बताए हमें, तो इसका और सोल्यूशन बताने के बाद अगर ए वन इज इक्वल थ्री तब क्या सोल्यूशन बनता है वो भी हमने बताना है। जी, सोल्यूशन पे आते हैं, गिवन रेफरेंस रिलेशन इज दिस, ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है, अब इसके अंदर से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट हमने अलग करना है। दिस रिलेशन इज अ नॉन होमोजीनियस सो वी हैव टू फाइंड, अब हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट को हम अलग करेंगे, होमोजीनियस पार्ट का हमने सोल्यूशन अलग से करना है जैसे हम प्रीवियस करते हैं, और नॉन होमोजीनियस का हमने जो अभी ऊपर डिस्कस किया उसके जरिए हमने करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2n है, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 1 है n के लिए, तो इसके लिए a प्लस बी एन वेरिएबल यूज होगा हमारा। टू फाइंड द होमोजीनियस पार्ट को फाइंड करना है हमने, ये हमने पहले भी किया हुआ है, टू एसोसिएट द होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन, तो ये हमारी रेफरेंस रिलेशन है, हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करने के बाद हमने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी, हमने ये इसके अंदर रिप्लेसमेंट करनी होती है, आर की जगह पे हमने ए पुट करना है, और जो आर की पावर में आर की पावर एन होगी, अब जैसे ए की पावर ए जो सबस्क्रिप्ट में एन है तो आर पावर एन, अब एन इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया और उसके बाद आर इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गई है। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो ए एन पावर एच इज इक्वल है के वन 3 पावर n। टू फाइंड द सॉल्यूशन, अब हम फर्दर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ए एन पावर पी, हेयर पी एन इज द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब इसका जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो जो हमारी पॉलीनोमियल है वो डिग्री 1 की है क्योंकि उसके अंदर सिंपली 2n की बात की गई है, तो जो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट हम लेंगे वो होगा ए ऑफ एन पावर पी इज इक्वल है ए प्लस बी एन। तो रिप्लेसिंग, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर दो सिक्वेंसेज हैं, एक तो है ए एन दूसरी है ए एन -1 टर्म, दो सीक्वेंसेस हैं। अब हमने दूसरी के लिए भी फाइंड कर लेना है, रिप्लेसिंग एन बाय एन -1 वी गेट, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो 3 के लिए हमने इस तरह से रिप्लेस करके इक्वेशन बनानी है, अगर 4 है तो 4 के लिए बनानी है, तो वी गेट, अब हमारे पास जो अब हमने एन -1 को रिप्लेस किया तो हमारे पास ये आ जाएगी, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एन पी एंड ए एन -1 p इन द गिवन नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन, जो नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है उसमें, और वन रिप्लेसिंग ए एन दिस रिलेशन बिकम, तो ये जो रिलेशन होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास ए एन की जगह पे हमने ए एन सीक्वेंस की जगह पे हमने उसके पॉइंट्स पुट कर देने, और ए एन -1 की जगह पे हमने उसके ए प्लस बी एन
इज इक्वल है 3a + b n - 1 + 2n. जी ए प्लस बी एन इज इक्वल है 3a + 3bn - 3b + 2n. इसको सॉल्व करते जाएंगे और अब हमने इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि बाकी में हम इसके दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ताकि हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाए. जिस तरह से आप करते आ रहे हो नाउ कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट. अब हमने ये जो दोनों साइड्स हैं इनको कंपेयर करना है. कंपेयर हमने किस तरह से करना है? कंपेयर हमने करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे. जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर रहे होते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स के हम कोएफिशिएंट्स को करेंगे, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए जब हम करेंगे ये सारा काम अपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कंपेयरिंग का किया होगा. सिंपली कॉन्स्टेंट हमने कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो ये भी टर्म कॉन्स्टेंट है, तो ये इज इक्वल टू दिस. अब दूसरी साइड पे क्योंकि ए एन की बात हो रही है तो कंपेयरिंग एन पावर, तो एन को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे. जी अब इनको सॉल्व करते हुए दो इक्वेशन आई, इनको सॉल्व करते हुए आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी. ए और बी की वैल्यू को हमने ए एन पावर बी में पुट करना है और हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा. अब क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, अब हमें होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर और पर्टिकुलर सोल्यूशन को कंबाइन करना है. तो फाइनली वी हैव टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस होमोजेनियस सॉल्यूशन और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है. अब इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद हमें सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि ए वन इज इक्वल है 3, यानी कि हम एन को जब 1 पुट करेंगे तो ए वन इज इक्वल हमारे पास 3 आएगा. तो जो इक्वेशन है उसमें हमने एन को 1 पुट करना है, तो एन को 1 पुट करने से हमारे पास ए वन जो है वो 3 है. इससे हमें कांस्टेंट टर्म के वन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. जो के वन की वैल्यू अब उसको आप इक्वेशन में पुट करें और ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो एज इट इज इसी तरह से ही है जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 की है, लेकिन फिर भी कल एग्जाम्पल नंबर 11 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी, क्लास अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई भी आपको किसी भी स्टेप पे कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज.